वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राणा दंपति को मिली नागपुर में हनुमान चालीसा पठन की अनुमति। राकंपा के कार्यक्रम के बाद राणा दंपति पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। भंडारा की बेटी चीन में खेलेगी चैंपियनशिप। एशियाई चैंपियनशिप में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। छोटे से गांव की लड़की द्वारा हासिल की गई सफलता की पूरे जिले में हो रही है सराहना। और वर्धा में सरकारी कर्मचारियों ने किया धरना आंदोलन। कलेक्टर कार्यालय के सामने किया आंदोलन। सभी राजकीय कर्मचारियों को मांगों का पालन करने की और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की गई अपील। अब खबरें विस्तार से। राणा दंपति नागपुर में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले हैं। इस पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि कुछ शर्तों पर राणा दंपति हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जबकि राणा दंपति ने आयोजित की रैली को अनुमति नहीं दी गई है। राकंपा के कार्यक्रम के बाद राणा दंपति को हनुमान चालीसा का समय दिया गया है और शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होने की शर्त भी रखी गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस ने परमिशन मांगा था, उनको परमिशन कल 12 बजे से दी गई है। मंदिर और मंदिर परिसर का जो जगह है वहाँ पे उनके लोग रहेंगे और वो जो भी उनकी आरती पूजा हनुमान चालीसा पठन वो मंदिर के अंदर में करेंगे, इसकी परवानगी दी गई है। उनका प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद राणा दंपति का को परमिशन, मतलब उन्होंने रैली की परमिशन मांगी थी एयरपोर्ट से मंदिर तक, वो परमिशन रिजेक्ट की गई है। लेकिन मंदिर में आके मंदिर में दर्शन, हनुमान चालीसा पठन, आरती, उसकी बिना लाउडस्पीकर के, उसके लिए भी उनको ना हरकत दी गई है। जमाव कोई भी बाहर नहीं आएगा और किसी भी प्रकार की प्रक्षोभक भाषण वगैरह नहीं होगा, इसकी कंडीशन उनको लगा दी गई है। कोई भी वहां पे लाउडस्पीकर किसी भी पक्ष के द्वारा मंदिर के परिसर में लाउडस्पीकर नहीं रहेगा, इसकी भी कंडीशन लगाई गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता नितिन गडकरी का जन्मदिवस है, जो शहर में कई जगहों पर मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर मंत्री अमोल ठाकरे ने बीजेपी की ओर से किए जाने वाले सामाजिक कार्यों की जानकारी दी है। बीजेपी की ओर से यह सप्ताह सामाजिक कार्यों में व्यतीत करने का फैसला किया गया है, जिससे नितिन गडकरी के कार्य का सम्मान हो। बीजेपी की ओर से नितिन गडकरी को आगे भी ऐसे ही काम करते रहने के लिए शुभकामनाएं दी गई। नितिन गडकरी के जन्मदिवस के अवसर पर बीजेपी की ओर से नई पहल की गई है। भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर मंत्री अमोल ठाकरे ने दी हुई जानकारी के अनुसार नागपुर के डागा अस्पताल में फल वितरण का कार्यक्रम किया गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को फल वितरित किए गए। बीजेपी ने यह सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में व्यतीत करने का फैसला किया है। इस सप्ताह में कोई भी गडकरी को पुष्पगुच्छ नहीं देगा या कोई भी जन्मदिवस के बड़े बड़े बोर्ड नहीं लगाएगा। इन सब में जो राशि बचेगी वो राशि सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल की जाएगी। इससे माननीय नितिन गडकरी के कार्य को उचित सम्मान मिलेगा। इस अवसर पर पिछले 15 दिनों से शहर में कई जगहों पर रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर के कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और अभी भी कई जगहों पर ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में मध्य नागपुर के आमदार विकास कुंभारे, किशोर जी, आदरणीय गिरीश व्यास, आदरणीय श्याम चांदेकर, जयप्रकाश गुप्ता भी उपस्थित थे। आज लोक नेता केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में डागा रुग्णालय में फल वितरण का कार्यक्रम भव्य रूप में किया गया। माननीय नितिन जी का जन्मदिन संपूर्ण नागपुर शहर में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी विनकर आघाड़ी की ओर से डागा हॉस्पिटल के अंदर में फल वितरण का कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ, इस आयोजन में हजारों जो डागा हॉस्पिटल में आने वाले जो पेशेंट है, उनके रिलेटिव है, उन तमाम लोगों को हमने फल वितरण करके माननीय नितिन जी के कार्य को, नितिन जी के जन्मदिन के ऊपर आने वाले समय पे उनके हाथों से और भी अच्छे काम हो। आज देश के नेता है, आज कौन सा कार्यक्रम है? आज हमने फल वितरण के कार्यक्रम के बाद में 5:30 बजे जागनाथ बुधवारी यहाँ भी एक कार्यक्रम का हमने आयोजन किया। मी अमोल ठाकरे, भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर मंत्री म्हणून माझ्याकडे दायित्व आहे आणि विनकर आघाडीचं पालक दायित्व आहे। आज माननीय नितीनजी गडकरी हे आपले लोकनेता आहे, ह्या भारताचे भावी प्रधानमंत्री आहे, ह्या आधुनिक भारताचे विश्वकर्मा आहे।
कितीतरी त्यांना उपाधी लोकांनी दिलेली आहे, रोडकरी गडकरी असं त्यांचं नाव ठेवलेलं आहे. ह्या भारतातलं जेवढं जर आधुनिकता आपण पाहतो आहे ते नितीनजींच्या नेतृत्वात पूर्ण भारतामध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि भारत सरकार काम करते आहे. त्यांचा आज वाढदिवस आहे आणि हा वाढदिवस भारतीय जनता पार्टी नागपूर शहराने सेवा सप्ताह म्हणून साजरा करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. त्याच्यामध्ये कुठेही गडकरींसाठी फुलगुच्छी घेऊन जाणार नाही, कोणी मोठा कार्यक्रम करणार नाही. कुठे हे आपण हे पाहतो आहे का मोठे मोठे होर्ड हाऊस हे सुद्धा लावायचे नाही. जो काही पैसा आहे, जो काही तुमच्याकडे आहे तो जनसेवेसाठी लावायचं. त्याच्या याच्यामध्ये जसं आम्ही बघतो आहे की पूर्ण 15 दिवसापासून कुठे कुठे रक्तदान शिबिराचे कार्यक्रम झाले, कुठं दंत चिकित्सा कार्यक्रम झाले, कुठं कर्णयंत्राचे कार्यक्रम झाले, कुठं आयचे म्हणजे डोळ्याचे कार्यक्रम झाले. आम्ही असं सगळा पूर्ण नागपूर शहरात हा कार्यक्रम करतो. त्याच्याच रूपामध्ये हा एक मोठा कार्यक्रम भारतीय आपली विणकर आघाडीतर्फे किशोरभाऊ उमरेडकर यांनी त्यांच्या सर्व टीमनी आज हा आपले डागा रुग्णालयामध्ये आपण हा फळ वाटपाचा कार्यक्रम घेतला. हा सेवाच्या याच्यामध्ये हा कार्यक्रम येतो आहे. सेवा करायची आहे, लोकांची सेवा करायची असा नितीनजीचा स्पष्ट आदेश आहे आणि माझा वाढदिवस लोकांच्या सेवेस म्हणजे तुम्ही साजरा करा असं त्यांना सांगितलेलं आहे. त्याचप्रमाणे आम्ही हा सगळा त्यांचा वाढदिवस लोकांच्या सेवेमध्ये आम्ही साजरा करतो आहे आणि किशोरभाऊंनी आणि त्यांच्या टीमनी आज हा मोठा कार्यक्रम इथं ठेवला. ह्या कार्यक्रमाला किशोरभाऊ तसेच मध्य नागपुरातले आमदार विकासभाऊ कुंभारेसुद्धा होते, आदरणीय गिरीजी व्याससुद्धा होते, आदरणीय आपले शांभाऊ चांदेकरसुद्धा येऊन गेले, त्याच्यानंतर आपले जयप्रकाशजी गुप्तासुद्धा येऊन गेले आणि ही सर्व टीम आज आम्ही इथं उपस्थित आहोत. हजारो लोकांना, हजारो रुग्णांना आम्ही फळवाटप कार्यक्रम इथं केलेला आहे आणि पुन्हा सायंकाळी 5 वाजता भारतमा चौकामध्ये एक मिठाई वाटपाचा कार्यक्रम आम्ही ठेवलेला आहे. ठाणे सिटी में जैन मंदिर के पास बीते कुछ दिनों से चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आ रही है. इन पर अंकुश लगाने के लिए जैन मंदिर के सामने एक बीट पुलिस चौकी स्थापित की जाने की मांग ठाणे सिटी कांग्रेस के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सचिन शिंदे ने ठाणे नगर थाने में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयराज रानावरे और नौपाड़ा जोन की सहायक पुलिस आयुक्त श्रीमती सोनाली ढोले पाटिल से मुलाकात करने के बाद की है. ठाणे सिटी कांग्रेस के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सचिन शिंदे ने मांग की है कि ठाणे में जैन मंदिर के सामने एक बीट पुलिस चौकी स्थापित की जाए. जब यह पता चला कि जैन भक्तों की दुपहिया वाहनों द्वारा उनकी चेन लूट ली गई थी, सचिन शिंदे ने ठाणे नगर थाने में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयराज रानावरे और नौपाड़ा जोन की सहायक पुलिस आयुक्त श्रीमती सोनाली ढोले पाटिल से मुलाकात के बाद यह मांग की. इस समय उन्होंने बताया कि बीते कुछ दिनों से चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन हम इस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. कल ही टेम्भीनाका के जैन मंदिर के पास एक महिला की चेन स्नैचिंग की घटना हुई. मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों भक्त नियमित रूप से आते हैं और अगले महीने जैन भाइयों के चातुर्मास का महीना होगा. आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो और इन पर अंकुश रहे, इसलिए बीट पुलिस चौकी स्थापित की जाए, ऐसी मांग ठाणे सिटी कांग्रेस के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सचिन शिंदे ने की. तो टेम्बी नाकावर एका वृद्ध महिलेचं चेन स्नॅचिंग झालेली आहे आणि ह्या परिसरामध्ये काही दिवसापासून हे प्रकार वाढत चाललेले आणि म्हणून आम्ही आज जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या माध्यमातून वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रणोर साहेब यांना भेटलो. आमच्या SAB मॅडम पण त्या ठिकाणी होत्या आणि त्यांना आम्ही अशी मागणी केली की जैन मंदिर या जैन समाजाचा पुढच्या महिन्यात चातुर्मास महिना चालू होतो आणि ह्या मंदिरामध्ये मोठ्या प्रमाणात भाविक जातात येतात आणि अशा ठिकाणी अशा प्रकारे वाढत असल्यामुळे या ठिकाणी एक पोलीस बीट त्या ठिकाणी उभा राहावं अशा पद्धतीची मागणी आम्ही केलेली आहे. कारण तो जो परिसर आहे या परिसरात मोठ्या प्रमाणात व्यापारी वर्ग राहतो आहे, मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी भाविक त्यांचं ये जा असते आणि म्हणून असे प्रकार काल झाला तो एक प्रकार आहे, परंतु भविष्यात असे प्रकार होऊ नये, त्या चोरांना एक जबरदस्त आळा बसावा म्हणून त्या ठिकाणी एक बीट पोलीस चौकी उभा राहावी अशा पद्धतीची मागणी आम्ही साहेबांना केली. साहेबांनी आम्हाला त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत सांगितलं की आम्ही लवकरच त्याच्यावर कारवाई करतो, पण बीट उभं करायला एक प्रोसेस आहे, त्या प्रोसेससाठी तिथं जागा अवेलेबल करणं, त्या ठिकाणी काही गोष्टीची तरतूद करणं, या सर्व गोष्टीचं अभ्यास करून आम्ही त्या ठिकाणी लवकरच बीट पोलीस चौकी आम्ही त्या ठिकाणी उभी करू आणि स्थानिक तिकडं जे मंदिराचे जे विश्वस्त आहे त्यांनाही विनंती पोलीस स्टेशनमार्फत केली जाणार आहे की बीट उभं करण्यासाठी आम्हाला त्या ठिकाणी जागा उपलब्ध करून द्या. ठाणे नगर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये 1 जानेवारीपासून आजपर्यंत 3 चेन स्नॅचिंग झालेले आहेत. त्यातल्या 2 चेन स्नॅचिंग ठाणे नगर पोलीस स्टेशनने डिटेक्ट केलेले आहेत आणि कालची तिसरी तीसुद्धा मला विश्वास आहे की आम्ही ती डिटेक्ट करू.
गुन्हा उघडकीस आणून गुन्हेगारांना न्यायालयात हजर करू याचा मला विश्वास आहे. आमचं पेट्रोलिंग सकाळचं फिक्स पॉईंट नाकाबंदी आणि पेट्रोलिंग चालू असतं. सकाळचंही चालू असतं, संध्याकाळच्या वेळी तिथं चालू असतं अँटी चेन स्नॅचिंग पेट्रोलिंग आणि फिक्स पॉईंट्स. त्यामुळेच आपलीकडे चेन स्नॅचिंगचं प्रमाण हे अतिशय कमी आहे. ते सुद्धा होऊ नये म्हणून आमचे प्रयत्न आहेत, यापुढेही राहतील. पोलीस स्टेशनची विभागणी बीटमध्ये केलेली असते. प्रत्येक बीटला बीट मार्शल दिलेले असतात आणि ते बीट मार्शल त्या बीटमध्ये सतत गस्त घालत असतात. त्यामुळे गुन्हेगारीला नक्कीच प्रतिबंध बसतो, परंतु अशा चेन स्नॅचिंगच्या घटना ऑकेजनली कधी कधी घडू शकतात. पण त्याबाबतही आपण ते गुन्हे उघडकीस आत्तापर्यंत आणलेले आहेत आणि हा कालचा गुन्हा उघडकीस येईल. भंडारा जिले के मोहाडी तालुका के नीलज खुर्द गांव की सुशीकला अब अपनी कड़ी मेहनत और लगन के कारण सीधे एशियाई चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. एक छोटे से गांव की लड़की द्वारा हासिल की गई सफलता की पूरे जिले में सराहना हो रही है. सुशीकला के पिता एक मजदूर है. उन्होंने अपनी बेटी को दृढ़ इच्छा शक्ति से स्पोर्ट्स में आगे किया, उसकी रुचि बढ़ाई. सुशीकला ने पिछले साल हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीता था. सुशीकला ने हाल ही में जयपुर में हुई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतकर महाराष्ट्र साइकिलिंग टीम की कप्तानी की थी और अब वह एशियाई खेलों के लिए प्रशिक्षण ले रही है. जालना के सुभाष अप्पा साहेब सराटे नामक किसान के गन्ने की चीनी मिल में 19 महीनों से कटाई न किए जाने की वजह से परेशान होकर सुभाष सराटे आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे थे. पुलिस ने पति पत्नी को हिरासत में ले लिया है. दोनों धनोरा गांव के रहने वाले हैं. आर्थिक परिस्थिति ठीक न होने की वजह से उसे गन्ने की कटाई की सख्त जरूरत है, लेकिन उसके गन्ने की कटाई जानबूझ के नहीं की जा रही है, ऐसा आरोप किसान ने लगाया है. इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया है. इसी बीच पुलिस ने आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे पति पत्नी से कीटनाशक छीन लिया और दोनों को गिरफ्तार किया है. माझं नाव सुभाष अप्पासाहेब सराटे, राहणार भोगगाव, तालुका घनसंगी, जिल्हा जालना. माझा ऊस कारखाना म्हणजे आज 19 महिने झाले. 10व्या महिन्यात गेल्या वर्षी गेलेल्या उशी जाणून बजून माझा ऊस नेण्यात उघडणूक 2-4 लोकच राहिले गावातले. मशीन काढून दिली, टोळ्यातले लोक म्हणजे पांगले, जाणून बुजून केलं माझा ऊस ठेवला. आता चारीला पाणी आले, जर भिजला रस्ता तर माझा ऊस जात नाही. आणि असिस्टंटला इथं कलेक्टर ऑफिसच्या समोर उपोषण केलं, आम्हाला लेखी दिलं डेप्युटी कलेक्टरनी की 2 दिवसाच्या आत तुमचं नियोजन केलं जाईल. त्याच्यानंतर 4 दिवस झाले 50 एकर ऊस मशीनवर काढला. पुन्हा रात्र दिवसभर मशीन पशी थांबलो तरी मशीन येणार. काही बिघडलं, हे बिघडलं, चागडलं गेली, जाणून बुजून त्रास द्यायला लागले. त्यांना माझा ऊस उभा ठेवायचा आहे म्हणून आम्ही आत्महत्येचा प्रयत्न आम्ही दोघांना उभा करून ठरलं की राहण्यातच मजा नाही, जगण्यातच मजा नाही काय, म्हणून आम्हाला म्हणजे सहन होईना ते. त्याच्यामुळं आम्ही ठरलं की जाऊन तिथं आत्महत्या करायची म्हणून आम्ही निश्चितपणानं येऊ. आणि मशीनवाला म्हणतो 10,000 रुपये एक करणे, आधी पैसे ठेवा दुसऱ्याजवळ, मग आम्ही तुमची तो मशीन नेतो काय. आमच्याकडे रुपये नाही, 7.5 एकर उशी 80,000 रुपये तुम्हाला तिथं दे नाहीत. आणि मशीन ट्रॅक्टरवाला म्हणतो 1,000 रुपये एंट्री. पुन्हा त्यांना सगळ्या 20 लोकांना जीव घालायचं, पाणी पुड्या दी, दारू दी, मटण दी, म्हणजे कसं काय कसं म्हणजे 7.5 एकर ऊस आहे माझा. सागरला जातो दरवर्षी, 6 वर्ष झाले मी ऊस लावतो, सागरला जातो. आणि ह्या वर्षी त्यांना द्यायचं ना, कारण डिमांड कर्ज काढलं मी. माझ्याकडं कार्ड आहे पुन्हा यायचं शेरसोचं 10,000 रुपये भरून, काही विषयच नाही ना. कारखानामध्ये येईन टोळी, येईन मशीन. असिस्टंटला बोललो तर असिस्टंट आरे रायची भाषा करतो. डेप्युटी कलेक्टरने आधी देऊन बी 4 दिवस झाले तो आज सकाळी फोन केला तर मग तू जा कारखान्यावर. मग मला असं आहे का आजची ऊस म्हणजे आज मशीन जर गेली तर ठीक आहे, नाही तर आम्ही आज म्हणजे करणार दोघं बी आत्महत्या. आम्ही ठरलेलंच आज सकाळपासून की मग ऊस नेऊ शकत नाही तर जगायचं कसं. लेकरं बाळ उद्या माझ्या मुलीचं लग्न आलं 1 वर्षाने, काय करायचं. लोकांचं देणं आहे, बँकेचं कर्ज आहे 2 लाख काढलेलं आहे. जिथं ऊस घालायचं आहे त्यांचं 2 लाख कर्ज आहे, कसं फेडायचं आम्ही. खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का. मिलते हैं ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ.
अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सभी का फिर से स्वागत है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की चार्जशीट में आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। वहीं केंद्र सरकार ने आर्यन खान मामले में जांच अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने सक्षम प्राधिकारी से वानखेड़े के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा है। एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ आर्यन खान ड्रग्स बरामदगी मामले में उनकी घटिया जांच के लिए एक्शन की बात कही गई है। एनसीबी ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग्स मिलने के मामले में शुक्रवार को क्लीन चिट दे दी। मामले में केवल 14 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। आर्यन समेत 6 लोगों को सबूत न मिलने के कारण छोड़ दिया गया है। एनसीबी के डीजी एसएन प्रधान के मुताबिक आर्यन खान ड्रग्स के मामले में समीर वानखेड़े की टीम से गलती हुई। गिरफ्तारी के वक्त समीर वानखेड़े इस मामले की जांच कर रहे थे। प्रधान के मुताबिक अगर एनसीबी से गलती नहीं हुई होती तो एसआईटी जांच को अपने हाथ में क्यों लेती। आज नागपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन का आयोजन महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से नेहरू जी के कार्य का दर्शन करने के उद्देश्य से किया गया है। आज नागपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में देश के लिए जो कार्य की है उसे दर्शाया गया है। इस एग्जीबिशन के लिए पशु और क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे, नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र मुलक और सभी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित थे। इस आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत इनके नेतृत्व में किया गया। महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से जनता को यह अपील की गई है कि सभी इस एग्जीबिशन में आए, जिससे आने वाली पीढ़ी को भी नेहरू जी के कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। मेरा नाम सतीश पाली है, मैं युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से यहाँ एक एग्जीबिशन रखा गया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के लिए जो कार्य किए, उनके स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक के जो कार्य है यहाँ पे वो दिखाया गया है पूरे प्रदर्शनी में। आज इस प्रदर्शनी के लिए महाराष्ट्र राज्य के पशु और क्रीड़ा मंत्री सुनील केदार जी, नागपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकास ठाकरे जी, नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र मुलक जी, वो सभी प्रमुख पदाधिकारी आए थे। इस आर्ट गैलरी का आयोजन महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल जी राउत इनके तरफ से रखा गया है। यहाँ पे हम एक ही लोगों से, जनता से विनती करना चाहेंगे कि आप इस आर्ट्स गैलरी में आकर नेहरू जी द्वारा जो किए गए कार्य वो देखिए, और आज आने वाले देश के जो भविष्य है उनके लिए अच्छा एक एग्जीक्यूटिव है। मेरा नाम आसिफ सादिक शेख, महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस।
आज 27 मई को कहते हैं नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पे एक आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया करके कहते हैं जो नेहरू जी ने इस देश को बनाने में मदद की थी, उस चीज़ की हमने चित्र के उनकी कला का और उनके जीवन के जीवन की कथा उसे कहते हैं एग्जीबिशन में लगाई है, जिससे हम जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि नेहरू जी ने देश के लिए क्या काम किया है और देश के लिए उन्होंने क्या योगदान दिया है, उसी विषय पे हम लोगों को बताना चाहते हैं कि और उन्होंने क्या काम किया। सरकारी कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर आज जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। इस समय सभी राजकीय कर्मचारियों को इन मांगों का पालन करने की और सरकार का ध्यान आकर्षित करने की केंद्रीय संघ के अध्यक्ष HM लोखंडे व सरचिटनीस विनोद भालतड़क ने अपील भी की है। सरकारी कर्मचारियों ने आज अंशदायी पेंशन योजना NPS को निरस्त करने, पुरानी परिभाषित पेंशन योजना को लागू करने, सभी विभागों में रिक्त पदों को स्थायी रूप से भरने, समान काम के लिए समान वेतन और अनुबंध और वेतन भोगियों को तत्काल नियमित करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। कर्मचारियों की लंबित मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर्मचारी महासंघ ने 27 मई को मांग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। राज्य सरकार के कर्मचारियों के केंद्रीय संघ के अध्यक्ष HM लोखंडे व सरचिटनीस विनोद भालतड़क ने अपील की है कि सभी राज्य कर्मचारी इस मांग का पालन करें और सरकार का ध्यान आकर्षित करें। आज 27 मई 2022 अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघाच्या आदेशान्वये केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधामध्ये कामगार कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात जी ती भूमिका घेतली त्या संबंधात हे आंदोलन आहेत। विशेषतः केंद्र आणि राज्य सरकारांची भांडवलदारांना पोषक आर्थिक नीती, कामगारांच्या हक्कांचा संकोच करण्याचे षडयंत्र, वाढती महागाई, कर्मचाऱ्यांचे भविष्यतव्य अंधकारमय करणारी NPS योजना, लक्षावधी सरकारी पदे रिक्त ठेवून कंत्राटीकरण वाढवणारे धोरण, खाजगीकरणाचा अतिरेक आदी मागण्यांकडे केंद्र व राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघाच्या आदेशानुसार हे आजचं आंदोलन संपूर्ण देशात, महाराष्ट्र राज्यात आणि या वर्धा जिल्ह्यात संपूर्ण तालुका आणि जिल्हा स्तरावर आणि सर्व कार्यालयामध्ये आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर इथे या ठिकाणी इथे आंदोलन करण्यात येत आहे। विशेषतः म्हणजे महत्त्वाचं म्हणजे अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून NPS रद्द करून राज्यातील सर्व कर्मचारी शिक्षक संघट सर्वांना जुनी पेन्शन मिळाली पाहिजे ही अतिशय महत्त्वाची मागणी। त्याच्यानंतर रिक्त पदे भरा सर्व विभागातील, कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करा, त्याच्यानंतर सरकारी जे उद्योग आहेत, जे फायद्याचे उद्योग आहेत, मंडळ आहे, वीज मंडळ आहे, या सर्वांचं खाजगीकरण थांबवा, ह्या अशा आणि इतर महत्त्वाच्या मागण्यासाठी आजचा हा संपूर्ण राज्यामध्ये आणि वर्धा जिल्ह्यामध्ये आपण मागणी दिन कार्यक्रम इथे आयोजित केलेला आहे। या कार्यक्रमाला या जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील तहसील कार्यालय आणि परिसरातील कर्मचारी या ठिकाणी मोठ्या संख्येत उपस्थित आहेत। बाकी जिल्ह्यामध्ये जिल्हा प्रत्येक कार्यालयामध्ये सुद्धा सर्वांनी आज मागणी दिन पाळलेला आहे आणि तालुका स्तरावर देखील सर्व कार्यालयामध्ये मागणी दिन पाळलेला आहे। ह्या मागण्या ज्या आहेत या मागण्या केंद्र आणि राज्य शासनाकडे आम्ही पाठपुरावा करत आहोत आणि त्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी आणि त्यासाठी माननीय पंतप्रधान आणि माननीय मुख्यमंत्री यांना मागण्याचे निवेदन देखील आम्ही आता या सभे आंदोलनानंतर माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांना आम्ही देत आहोत। 2022 रोजी सरकारी निम सरकारी आणि सरकारी शिक्षक संघटना यांच्या विविध मागण्यांबाबत आपण इथे आम्ही इथे जमलेलो आहोत। त्यापैकी महत्त्वाची मागणी म्हणजे NPS रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि जी रिक्त पदे आहेत विविध कार्यालयात किंवा हे तिथे ती सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावी याबाबत आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांना निवेदन सादर करीत आहोत। धुले शहर के काशी कापड़ी समुदाय के अशोक कापसे की विधवा कल्याणी और तलाकशुदा सुनील की आज धुले में शादी हो गई। इस विधवा पुनर्विवाह समारोह ने काशी कापड़ी समुदाय में एक नए आदर्श का निर्माण किया है और इस विवाह समारोह को अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का भी समर्थन मिला है। विधवापन की प्रथा को रोकने के लिए पूरे राज्य में व्यापक जन जागरूकता शुरू की गई है और इस वर्ष को राजश्री छत्रपति शाहू महाराज के शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। विधवा पुनर्विवाह के लिए छत्रपति शाहू महाराज के समर्थन की पृष्ठभूमि के खिलाफ धुले में काशी कापड़ी समुदाय के अशोक कापसे की विधवा बेटी कल्याणी और सतना की अंकुश वाटेकर के तलाकशुदा बेटे सुनील का विवाह समारोह हाल ही में आयोजित किया गया था।
कल्याणी के पहले पति योगेश वाटेकर की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई, जबकि सुनील तलाकशुदा थे और पंजाब में भारतीय सेना में एक नायक के रूप में कार्यरत थे। गणमान्य व्यक्तियों ने विचार व्यक्त किया कि काशिकापदी एक खानाबदोश समाज है और समाज में अभी भी कोई अवांछित रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन किया जाता है। पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये आज आपण बघितलं विधवा महिलांची जे हेळसांड होत असते त्या हेळसांडाला महिला नेहमी तोंड देत असतात। अशा परिस्थितीसुद्धा विधवेशी एक लग्न करणं ते पण तिचा सकाधीर सुनील वाटेकर जी पण 11 महिन्यापूर्वी फारकत झाली आणि सदर नवरदेव हा मिलिटरीमध्ये नायक या पदावर आहे आणि जी नवरी मुलगी आहे ती तिला दोन मुलं आहेत, एक 11 वर्षाची आणि एक 7-8 वर्षाचा मुलगा। आपली भाऊजाई स्वतः विधवा आहे, त्यांचा भाऊ हा हृदयविकाराच्या झटक्याने गेला असल्यामुळे 5 वर्षामध्ये त्या महिलेने आजपर्यंत जे विधवेचं सगळं सहन केलं त्याला मुठपाती देत तिच्या दीराने तिच्याबरोबर जो लग्नाचा निर्णय घेतला आहे तो स्वागतार्ह आहे, कारण की पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये आपण राजश्री शाहू महाराजांची शताब्दी महोत्सव आपण करतोय, तर त्या अनुषंगाने आज हा जो निर्णय झालाय विधवा पुनर्विवाहाचा त्याचं स्वागतच आपण करतोय। 17 मेला जे हिरवळ ग्रामपंचायतींनी घेतलेला निर्णय महिलांचं मंगळसूत्र तोडायचं नाही, त्यांचे जोडवे काढायचे नाही, बांगड्या तोडायच्या नाही आणि कुंकू पुसायचं नाही, ह्याचं स्वागत स्वतः महाराष्ट्र शासनाने करून तो GR काढला की ह्या पुढे आता ह्या प्रथा करायच्या नाही। त्याबद्दल मी महाराष्ट्र शासनाचे पण मनापासून आभार मानते आणि ह्या पुढे काशी कापडी समाजातले जे पंचमंडळी आहेत धुळ्यातले आमचे संजय नाना वाडेकर पैलवान आहेत ते उपमहाराष्ट्र केसरी आहेत त्यांनी आणि पूर्ण पंचांनी ह्या लग्नाला पाठिंबा दिला। मी धुळ्यातल्या काशी कापडी पंचांचे पण मनापासून स्वागत करते आणि ह्यापुढेही काशी कापडी समाजामध्ये कुठल्याही रूढी परंपरा न पाळता आपल्या ज्या घरात ज्या मुली असतील ज्या विधवा त्यांचाही पुनर्विवाहाचा विचार करावा आणि ह्या लग्नाचा आदर्श घेऊन ह्यापुढे अनेक असे लग्न व्हावे ही अपेक्षा। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का नया संकल्प शिविर हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया था। इस पृष्ठभूमि में प्रदेश कांग्रेस ने घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई। मौजूदा समय में विपक्ष के लगातार दुष्प्रचार और तीखी आलोचना के साथ ही भय का माहौल बनने से कांग्रेस पार्टी थोड़ा उदास महसूस कर रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए और इस तरह कार्यकर्ताओं और पार्टी के लिए पार्टी में उत्साहजनक माहौल बनाना है। रंजीत बाबू देशमुख पूर्व मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शाम 6 बजे कविवर्य सुरेश भट्ट हॉल यह सभा आयोजित की गई थी। कोरोना संकट के कारण आयोजन समिति कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रही थी। अब जबकि सभी प्रतिबंधों में ढील दी गई है, कार्यकर्ताओं समर्थकों और प्रशंसकों के आग्रह पर रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कायाकल्प लाना, उत्साह बढ़ाना और सभी को एक साथ लाना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नव संकल्प शिविर जो अभी उदयपुर में हुआ है, इस शिविर के मार्ग देखते हुए हमने यहाँ पर है ना हमारे कार्यकर्ताओं में कैसा उत्साह आना चाहिए और कैसी ये जो नाराजी चल रही है पक्ष के अंदर में या जो भी थोड़ी बहुत भी जो थोड़ा सा साइलेंट पना है इसमें एक ये होना चाहिए, तो ये लेकर के हम माननीय रंजीत बाबू के पास गए। रंजीत बाबू को बताया कि आपकी 75वीं हम करना चाहते हैं। पहले रंजीत बाबू ने इस चीज़ को नामंजूर किए, लेकिन हमने इसके पीछे का उद्देश्य बताया कि आपके चाहने वाला महाराष्ट्र का सब पूरा कार्यकर्ता ये सिर्फ आपको मदद के तौर पे नहीं, ये कुछ राजकीय इसमें आपको देखना चाहता है और उन्होंने ये सारी चीज़ें की कल्पना लेने के बाद ये कार्यक्रम हम 29 मई को तय करें। 29 मई को ये कार्यक्रम सुरेश भट्ट सभा गृह के अंदर में होने जा रहा है। कितने बजे? शाम को 6 बजे सर। प्रमुख अतिथि सर कार्यक्रम की अध्यक्षता पृथ्वीराज चौहान साहब कर रहे हैं, माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य। इस कार्यक्रम के लिए अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री राजस्थान और माननीय दिग्विजय सिंह माजी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ये आ रहे थे। इस कार्यक्रम के अंदर में महाराष्ट्र से जो कांग्रेस के श्री नाना भाऊ पटोले, श्री HK पाटिल, श्री मुकिल वासनिक जी, श्री अविनाश पांडे जी, इन्होंने अपनी सम्मति दर्शाई था। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल से माननीय श्री बाळासाहेब थोरात साहब, श्री अपना विजय वडेट्टीवार साहब, श्रीमती यशोमती ठाकुर, श्रीमती अपना दिलीप वड़से पाटिल साहब और अमित देशमुख साहब, ये लोगों ने
इस कार्यक्रम में आने में अपनी सम्मति दी है। इसके अलावा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महाराष्ट्र के प्रभारी एच के पाटिल, आशीष दुआ, इसके अलावा अपना महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षता श्रीमती सरमाला के, महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाद मिर्जा, आमदार विकास ठाकरे जी, हम नागपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष माजी मंत्री श्री राजेंद्र मुलक साहब, ये सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं खान नायडू हूँ सर, इस कमेटी का, रंजीत बाबू की जो इस कमेटी है उसका मैं संयोजक हूँ। ये प्रकाश मुगदिया जी है, ये इस कार्यक्रम कमेटी के सचिव है सर। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। वीकेबी न्यूज की प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।